प्रॉब्लम है। बात दरअसल ये है कि एक्सेल कॉलेज में आ गया है एक नया विद्यार्थी, मेरा मतलब है नील की हुई है एंट्री और नील ने हर किसी के नाक में दम करके रखा है। फिल्मी दुनिया का टाइम है खराब, क्यों मालूम है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, नाम मैं तुम्हारा खून पी जाऊं कुत्ता। फिल्मी दुनिया का टाइम खराब, क्योंकि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। नहीं मैं कुत्तों के सामने नहीं नाच सकती, कुत्तियों के सामने नाचू। फिल्मी दुनिया का तो पता नहीं, पर एक्सेल कॉलेज के स्टूडेंट्स का दिमाग जरूर खराब हो गया है। पढ़ाई और रोमांस छोड़ सबके दिमाग पर छा गया है फिल्मी बुखार। तो मेरा पेट दिख रहा है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सरिता। और इसी फिल्मी बुखार का इलाज करने आ गए हैं नील साहब। इस शो में मेरी अभी भी एंट्री हुई है 3-4 एपिसोड पहले और प्लेइंग डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, और मैं अपनी अगली फिल्म की हीरोइन की तलाश में आया हूँ। कॉलेज में आए इस खड़ूस डायरेक्टर ने कॉलेज के स्टूडेंट्स की छुट्टी कर रखी है, फिर भले ही गुंजन के हीरोइन बनने का सपना ही पूरा क्यों ना हो गया हो। नील की जो थोड़ी सी सनक है डायरेक्टर की, उसे चाहिए तो गुंजन ही चाहिए उस रोल के लिए, कोई और नहीं चाहिए। पर हीरोइन बनना इतना आसान काम थोड़े ना है, ऊपर से अगर आपकी फिल्म का डायरेक्टर ऐसा हो तब तो बात ही क्या है। अब देखिए ना कैसे ये डायरेक्टर गुंजन के पीछे ही पड़ गया है। कट कट कट, गुंजन दिस इज नॉट वर्किंग। ये तो छोड़िए, ऑफ स्क्रीन भी इन्होंने गुंजन का पीछा नहीं छोड़ा। रेडी गुंजन? मूड? मैं कभी काजल को कॉपी नहीं कर सकती, शी जस्ट हैज अ जस्ट वन लाइन, वन इंटरेस्टिंग लाइन, व्हाटएवर यू थिंक काजल हैज सेड इट बेस्ट इन एनी फिल्म। पता नहीं यार, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। लो आपने तो काजोल बनने से इनकार कर दिया, पर आपके सम्राट को शाहरुख बनने से कोई नहीं रोक पाया। बड़े बड़े देश ऐसी छोटी छोटी बात होती रहती है। अरे ये अचानक बादशाह से शहंशाह कैसे बन गए? रोल द ड्रम। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। अब इन सबको देखकर अपनी नुपुर कैसे पीछे रहती? एक्टिंग का बुखार इन पर भी तो चढ़ गया है ना? और बस फिर क्या था, इन्होंने भी मारा मौके पर चौका, क्योंकि मैं कुत्तों के सामने नहीं नाच सकती। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, कुत्तियों के सामने नाचू। अरे अरे नुपुर, इस फिल्मी चक्कर में आपने ये क्या कर डाला? अपने मयंक को आप भूल गई क्या, जो अब डायरेक्टर साहब के ही पीछे पड़ गई हैं? वैसे भी आपकी एक्टिंग पर तो ये फिदा हो ही गए हैं, कास्टिंग चेंज करने के बारे में आपका क्या इरादा है डायरेक्टर साहब? एब्सोल्युटली आई एम नॉट जोकिंग। सुना, अब आपके मयंक तो यहाँ पर है नहीं, पर उन्हें अगर इस बात का पता चल गया तो आपकी तो खैर नहीं, फिल्मी दुनिया का तो पता नहीं पर आपका टाइम जरूर खराब हो जाएगा। वंदना शुक्ला, स्टार न्यूज, मुंबई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए सास बहू और सास।